बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्मों को फ्लॉप होने को लेकर मीडिया से बातचीत की। आपको बता दें, अक्षय कुमार जो है हाल फिलहाल अपने ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे हुए हैं, जहां कठपुतली का ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किया। इस ट्रेलर लॉन्च के ऊपर जनता के कई सारे सवाल मीडिया पर्सनैलिटीज़ ने उनसे पूछे। आप खुद ही देखें आखिरकार इन सवालों के क्या जवाब दिए अक्षय कुमार ने, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि आखिरकार अक्षय कुमार जो कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। See, films are not working. It is our fault. It is my fault. Okay. I have to make the changes. I have to understand what the audience wants. I want to do my changes. I want to dismantle my way and way the way I think what kind of films I should do. So, there's nobody else to be blamed, but it is me. And दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा? Is this the safe space that actors are making by acting for films for OTT? No, it is not a safe. That also requires people to say yes, we like the film or not, we don't like the film. So it is not nothing got to do with safe. This is not, it's not a safety net. यहाँ भी आपकी फिल्म जाती है, रिलीज होती है, देर आर पीपल वॉचिंग इट, द मीडिया इज वॉचिंग इट, द क्रिटिक्स आर वॉचिंग इट, द ऑडियंस इज वॉचिंग इट, दे गिव whether they like the film or not. So there's nothing called safe. You have to work hard and that's it, period. Gaurav, one question for you too. एक्टर की फिल्मों का गैप कितना होना चाहिए एक सालों में? देखिए, बात ऐसी है कि पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी फिल्में रिलीज नहीं हुई, बहुत लोगों की फिल्में रिलीज नहीं हुई क्योंकि थिएटर्स बंद थे, सब कुछ चीज़ें बंद थी और काफ़ी फिल्में जमा हो गई। ये नहीं होता ऐसे अगर पैंडेमिक नहीं आया होता, हम काम करते रहे, फिल्में जमा होती रही। तो अब ऐसा है कि हाँ, मेरी करीबन 4 फिल्में जो हैं वो रेडी है, लेकिन अगर पैंडेमिक नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, तो उसके बीच में हमेशा 2 या 3 या 4 महीने का गैप जरूर होता है।